रिम्स में कोरोना संक्रमित 60 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद शव को दफनाने को लेकर रातू रोड कब्रिस्तान के पास जमकर हंगामा हुआ। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। दरअसल स्थानीय लोग वहां शव को दफनाने का विरोध कर रहे थे और कोरोना फैलने की आशंका जाहिर कर रहे थे। वहीं प्रशासन ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। आखिर में प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और इस हंगामे के दौरान मृतक का शव रिम्स की एम्बुलेंस में पड़ा रहा। रविवार सुबह 9 बजे बुजुर्ग की मौत हुई थी और करीब 14 घंटे बाद रात 2 बजे शव को 2 गज जमीन नसीब हुई। प्रशासन ने देर रात शव को दफनाया। इस दौरान परिवार के लोग दूर खड़े रहे, परिवार वालों को शव के पास नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के 19 मामले सामने आ चुके हैं। रिम्स में कोरोना वायरस से संक्रमित 8 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से रविवार को एक की मौत हो गई है, जिसके बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। न्यूज़ डेस्क।